नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के शेरकोट इलाके से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि यूपी के बिजनौर में इन दिनों काफ़ी महीनों से लगातार गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। गुलदार आए दिन मासूम बच्चों से लेकर बड़ों पर हमले कर रहा है, उनकी जानें ले रहा है। सिलसिलेवार हमले की वजह से अब तक पिछले 4 महीनों की अगर बात करें तो 9 के आसपास लोगों की गुलदार के हमले से जान जा चुकी है और साथ ही 2 दर्जन के आसपास गुलदार ने लोगों को हमले से ज़ख्मी भी कर दिया है। वहीं अगर ताज़ा तरीन मामले की अगर बात करें तो शेरकोट के बादशाहपुर जंगल में कुछ किसान काम कर रहे थे कि इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने किसान पर हमला कर दिया और जैसे ही जब चीख पुकार मची तो 2-3 किसान वहाँ पर दौड़े, लेकिन उसके बावजूद लगातार गुलदार किसानों पर हमले कर रहा था। इसको लेकर के वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और भीड़ के बाद बाकायदा गुलदार को लोगों ने चारों तरफ से घेर कर लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी जान ले ली। वहीं अब वन विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे हैं और तफ्तीश बारीकी से कर रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात है, किन वजूहात के ज़रिए जो है ये ग्रामीणों ने हादसे गुलदार की जान ली है। वहीं जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर से कहना है कि गुलदार इन पर किसानों पर हमले कर रहा था, जिसकी वजह से बेहोश किसान हो गया और उसकी जान चली गई। लेकिन फिलहाल मारने की लाइव तस्वीरें किसी ने कैमरे में बना ली और कैमरे के बनाने के बाद बाकायदा उसे सोशल मीडिया पर गुलदार की पिटाई की वीडियो वायरल भी कर दी है। वहीं अब वन विभाग के अफसर इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। दूसरी खबर बिजनौर के नांगल सोती और मंडावली इलाके से आ रही है। खबर यह है कि पिछले 5 दिनों से पहाड़ों पर और साथ ही मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी नालों में लगातार पानी का फ्लो तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही अगर बात करें तो खेत खलिहान से लेकर सड़कों और सड़कों के साथ साथ घरों में भी कई कई फीट पानी चल रहा है, जिसकी वजह से जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो खासे परेशान हैं। खाना बनाने से भी तरस रहे हैं, खाने पीने से भी तरस रहे हैं और साथ ही पशु के लिए चारा लाने के लिए भी वो तरस रहे हैं। और बात करें नांगल थाने के आसपास, नांगल थाने के अंदर 2-2 फीट 3-3 फीट पानी चल रहा है, जिसकी वजह से फरियादी भी वहाँ पर थाने में नहीं आ रहे और साथ ही जो पुलिस के अफसरान हैं, जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी है, वो भी कहीं ना कहीं बरसात के पानी से खासे परेशान दिख रहे हैं। तीसरी खबर बिजनौर के मंडावली इलाके से आ रही खबर यह है कि यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे कोटा वाली नदी के रपटे पर पानी आ गया, जिसकी वजह से जो यूपी और उत्तराखंड के पुलिस के अफसरान हैं उन्होंने बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है, क्योंकि रपटे पर तेज़ी से कई कई फीट पानी चल रहा है। अंदेशा ये लगाया जाता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इसको लेकर के जो मंडावली इलाके के पुलिस के अफसरान हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और साथ ही जो बड़े वाहन हैं, छोटे वाहन हैं, सभी पर फिलहाल पानी की वजह से रोक लगा दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।